एक तरफ जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में हमास और इजराइल के बीच अलग जंग छिड़ी हुई है। इजराइल विरोधी संगठन हमास के कब्जे वाले गाजा से सोमवार से बुधवार के बीच 40 घंटों में ही 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की वजह से अपनी ज्यादातर आबादी को इन हमलों से बचाए रखा है। ऐसे में दुनिया के अधिकांश लोग इजराइल की इस डिफेंस तकनीक को लेकर काफी उत्सुक हैं। सबके जहन में यह सवाल कौंध रहा है कि आखिर एयर डोम डिफेंस सिस्टम है क्या? यह कैसा सिस्टम है जिसने फिलिस्तीनी संगठन हमास के अधिकांश हमलों को रोक दिया है? इस वीडियो में हम आपको आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ खास जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल संकट के इस दौर में आयरन डोम को इजराइल की सबसे बड़ी उम्मीद माना जा रहा है। आयरन डोम ने अब तक इजराइल की बड़ी आबादी को हमास के रॉकेट हमलों से बचा कर रखा है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर तैयार किया है। अमेरिका ने इसमें आर्थिक तौर पर मदद भी की थी। आयरन डोम 2011 से एक्टिव हुए थे। यह फाइटर प्लेन से दागी जाने वाली मिसाइलों और ड्रोन्स को भी निशाना बनाने की काबिलियत रखता है। आयरन डोम रडार सिस्टम पर काम करता है। रडार यह देखता है कि क्या इजराइल की तरफ से आ रहे किसी रॉकेट से खतरा है या नहीं। जब यह महसूस होता है कि कोई रॉकेट आबादी वाले इलाकों या अहम इमारतों की तरफ आ रहा है, तब बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल से सिग्नल भेजे जाते हैं और मोबाइल यूनिट्स या लॉन्च साइट से इंटरसेप्टर दागे जाते हैं। इंटरसेप्टर असल में वर्टिकल मिसाइलें होती हैं। अलग अलग डिफेंस एनालिस्ट ने इसराइल के आयरन डोम का सक्सेस रेट 80% से 90% बताया है, यानी ये 100% कारगर नहीं है। आयरन डोम की खामी इससे भी पता चलती है कि हमास की तरफ से आए कई रॉकेट इसराइल की जमीन पर गिरने में कामयाब रहे। इसमें कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। इसमें अब तक 5 इसराइली लोगों की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि इसराइल की सेनाएं भी काफी ताकतवर हैं। बीते 2 दिनों में इसराइल की एयरफोर्स ने हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया है और 130 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। खासतौर पर गाजा पट्टी को निशाना बनाते हुए इसराइल ने बहुत सारी बर्बादियां की हैं। इजरायली आर्मी और एयरफोर्स के निशाने पर हमास के 500 से ज्यादा ठिकाने हैं। इसराइल के पास ज्यादातर फाइटर प्लेन एफ सीरीज के हैं जो अमेरिका में बने हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसराइल डिफेंस तकनीक में काफी आगे है और इसके चलते वह फिलिस्तीन के संगठन हमास पर हमेशा भारी पड़ता रहा है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना। आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। TV9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।